ये लगे हैं मेरे पति देव जी। तो दोस्तों हम आए थे घास काटने सासू जी और मैं, तो अब हम जाने लग गए घास काट के घर को। घास काटने से घर आने के बाद दोस्तों मैंने बाहर का काम करा, उसके बाद खाना बनाया, खाना बना के खाना भी खा लिया है, बर्तन झाड़ू भी हो चुका है। चलिए फिर दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पे स्वागत है। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1:30 बजे से, तो खाना पीना हो चुका है, झाड़ू बर्तन भी हो चुका है, और आज है दोस्तों धनतेरस, और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खरीदारी करें, खूब शॉपिंग करें आज के दिन। तो दोस्तों मैं तो नहीं गई मार्केट, कभी जाएंगे फिर करेंगे हम खरीदारी। तो दोस्तों आज आने वाले हैं मेरे पति देव जी घर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे उनसे मिलने के लिए। तो अभी तो काफ़ी दूर हैं, पता नहीं कब पहुँचते हैं, शायद वो 5-6 बजे या 7-8 बजे पहुंच सकते हैं रात के, अभी फिक्स पता नहीं है मुझे, अभी तो काफ़ी दूर हैं, बट जब भी आएंगे आपसे मिलाया जाएगा उनसे, आपको भी मिलाऊंगी उनसे। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम के टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मैं उठ चुकी हूँ रेस्ट करके, अब मैं जा रही हूँ चाय पानी पी के कंट्रोल की दुकान में, राशन लेने, चावल लेने जा रही हूँ। चलिए फिर चलते हैं। सो गाइज फाइनली मैं जाने लग गई हूँ राशन लेने, ताई जी और ममता दी भी आ रहे हैं, हम जाने लग गए हैं बंगचुड़ी राशन लेने। चलिए फिर चलते हैं। चलिए फिर दोस्तों आपको दिखाती हूँ मैं एक बार आज का मौसम। मौसम तो आज सुबह से ऐसी है, बादल लग रहे हैं बार बार, कभी धूप आ रही कभी बादल लग रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं बंगचुड़ी दुकान में। तो दोस्तों फाइनली हम जाने लग गए हैं राशन लेके घर को बंगचुड़ी से। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और खा रहे हैं गुड़पट्टी, ये देखिए ताई जी भी खा रहे हैं, ममता जी भी खा रहे हैं। फाइनली दोस्तों थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली हूँ घर, ताई जी लोग चले गए हैं उधर से, अब मैं भी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं आपको घर पहुंच के।
घर आने के बाद सीधे देखा किचन में आके तो यहाँ पे ससुर जी ने अंडों को उबाल के रखे हैं। अब मुझे इनको छीलना है और आग भी जली हुई है। प्याज टमाटर भी मैंने काट दिया है, लहसुन भी छील दिया है और अंडों को भी छील दिया है। अब मुझे बनाना है अंडा कढ़ी, तो तेल की कढ़ाई भी रख दी है। चलिए फिर दोस्तों बनाते हैं अंडा कढ़ी। सो गाइज, फाइनली अंडा करी भी बन चुका है। नीचे निकाल दिया है मैंने चूल्हे से, आटा भी गूंद दिया। अब बनाती हूँ रोटी। तो गाइज, अभी तक मेरे पति देव जी नहीं पहुँचे। सो गाइज, फाइनली खाना पीना बन चुका है, बट अभी तक मेरे पति देव जी घर नहीं पहुँचे हैं। अभी जो बागेश्वर पहुँचे हैं, 7 बज चुके हैं रात के, अभी तक नहीं पहुँचे हैं घर। अभी घर से गए हैं ससुर जी उनको लेने के लिए। अभी शायद 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे वो घर पे। तब तक करते हैं उनका वेट, फिर खाएंगे साथ में खाना। खाना बन के तो रेडी हो चुका है, बट उनको देखे रहेंगे, जब वो आएंगे तब खाएंगे हम खाना। तो दोस्तों, आज उनको आने में काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि वो अभी 7:13 हो रखे हैं। अभी वो बागेश्वरी हैं, उनको कम से कम 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा बागेश्वर से कांडा पहुँचने में, घर पहुँचने में। तो करते हैं उनका वेट जब तक वो आते हैं। फाइनली दोस्तों, रात के बज चुके हैं 8:30, अभी तक नहीं पहुँचे पति देव जी लोग। अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था ससुर जी का, बोल थे कि आप लोग खाना खा लो, हम खा के आ रहे करके। चलिए फिर चलते हैं ऊपर किचन में, सासू जी और हम लोग खा लेते हैं खाना। वो लोग तो पता नहीं कब आते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हो चुका है मेरा खाना पीना। खाना पीना खा के आ चुकी हूँ मैं अपने कमरे में। तो अब मैं करती हूँ रेस्ट। पति देव जी लोग तो पता नहीं कब आते हैं, मैं तो सो जाती हूँ। मिलती हूँ आपको मॉर्निंग पे, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ हेलो अम्बात। हेलो हाय दोस्तों, मैं आपको मिल रही हूँ, दिन के 3 बजने वाले हैं। कल से आपको मिल रही हूँ मैं अभी। गाइस, कल से मैं अभी मिल पाई क्योंकि सुबह से ब्लॉग भी नहीं बनाए, बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो गई थी। घर की सफाई कर रही थी क्योंकि कल से दीपावली है, तो घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। घर की साफ़ सफाई करी, उसके बाद मुझे अभी टाइम हो रहा है नहा धो के, खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद आ चुके हैं हम घास काटने के लिए सासू जी और मैं, क्योंकि आज मौसम भी ख़राब ही है। सुबह से थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश आ रही थी, कल रात में भी बारिश हुई। तो दोस्तों, रात के बज चुके थे 10:30, तब पहुंचे मेरे पति देव जी कल। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। ये फिर दोस्तों आपको दिखा देती हूँ एक बार आज का मौसम। अभी तो फ़िलहाल धूप आ चुकी है, सुबह से ऐसी बादल लगा था और हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। अभी तो ठीक हो गया है मौसम। अभी हम आ चुके हैं घास काटने के लिए सासू जी और मैं। यहाँ ताई जी और किरण दी भी आए हैं घास काटने के लिए। तो दोस्तों, मेरे पति देव जी पहुँचे 10:30। उसके बाद मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, मैं तो सो गई थी। तो सुबह से भी ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि काम में बिजी हो गई थी, ऐसी साफ़ सफाई करी कर मैं गिर गई थी। घर की साफ़ सफाई करी क्योंकि कल से दीपावली है, तो ऐसी काम में बिजी थी, ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो अभी मिल रही हूँ आपको मैं 2:30। तो अभी हम जा रहे हैं सासू जी और मैं घास काटने के लिए। वहाँ पहुँचे हैं ताई जी, किरण दी और ताऊ जी भी घास गए हैं। ये देखिए, हमारा डॉगी भी आने लग गया है। नीचे हैं ताई जी और किरण दी। ये देखिए, ताई जी लोग गए हैं नीचे, मुझे भी जाने हैं गाइज यहीं। तो दोस्तों, आपको मैं अपने हस्बैंड जी से नहीं मिला पाई क्योंकि अभी वो चले गए हैं मार्केट, कांडा मार्केट, दीपावली का सामान लेने के लिए। मैंने खुद ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम पे बिजी थी, सुबह से साफ़ सफाई कर रही थी। तो अभी तो चले गए हैं मेरे पति देव जी खाना पीना खा के मार्केट, दीपावली का सामान लेने के लिए, रोहित दा और पति देव जी। अभी शाम को मिलाऊंगी अगर जल्दी पहुंच जाएंगे घर तो। थोड़ा
तो यहाँ पे काट रहे हैं दोस्तों ताई जी और किरण दी घास। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहां पे काट रहे हैं ताई जी और किरण दी घास। चलिए फिर दोस्तों आप काटते हैं घास, फिर मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों फाइनली हो चुका है घास, अब चलते हैं घर को। ताई जी को लग गए हैं कुमर। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं घास काटने से। तो आजकल भैंसों को गोट में बांधते हैं, तो सासू जी बांधने लग गए हैं भैंस को गोट में, क्योंकि अब ठंडा भी होने लग गया है, बाहर पे ठंडा होगा इनको, इसीलिए आज से इनको गोट में बांध रहे हैं। आए आए, आज बड़े फराउंग लागणा यार यहाँ। अजी बोले रवे आप रंग जे पर अलग जे दिखना गोठली गाल होना था ना। झाड़ू लगा के अब मैं जा रही हूँ दोस्तों गोबर फेंकने। चलिए फिर चलते हैं गोबर फेंकने। आ चुके हैं पति देव जी मार्केट से दिवाली की शॉपिंग करके। ये देखिए इतने सारे पटाखे लेके आए हैं, और मेरे पति देव जी मंदिर में लगा रहे हैं माला। इधर को देखिए जरा। गाइज हमारा मंदिर अभी से सजा दिया है दिवाली के लिए। ये लगे हैं मेरे पति देव जी। ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे माला हैं। ये देखिए पटाखे, मिठाई, उसमें क्या है, बाप रे इतने सारे पटाखे। अरे पत्ता जो नहीं लिया समझो यार। ये बच्चों की तरह लगे हैं बच्चे, मुंह भी नहीं दिखा रहे हैं, शर्मीले हैं ना ये बहुत ज्यादा। अभी से स्टार्ट हो गया इनका, फोड़ने लग गए हैं पटाखे बच्चे, छोटे बच्चे। क्यों यार क्यों ना इन्होंने। सो गाइज फाइनली हो चुका है हमारा खाना।
खाना खा के आ चुकी हूँ मैं अपने कमरे में। अब करते हैं थोड़ी देर में रेस्ट। चलिए फिर दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं गीता बिलखुआल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।